ले कॉपी। दोस्तों गंगापुर सिटी के ये सभी पार्षद ज्ञापन देने के लिए आए। गंगापुर सिटी में बढ़ते क्राइम को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा। एक मोटरसाइकिल पर 3 सवार आते हैं और किसी का मोबाइल छीन के ले जाते थे और किसी का पैसे छीन के ले जाते। काफ़ी वारदात की जा रही है गंगापुर सिटी के अंदर और काफ़ी नगर परिषद के पार्षदों में इस बात को लेकर काफ़ी रोष व्याप्त है और वो SDM कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए आए। आइए बात कराते हैं आपकी। ये सभी नगर परिषद के गंगापुर सिटी के पार्षद हैं मानिए। और गंगापुर सिटी में जो लूटपाट के कारण की घटना डेली की डेली हो रही है, विजय पैलेस पे अभी परसों मोबाइल छीन के ले गए, नेहरू रोड पे होगी और भरतून का किसान है जिससे कि 22,000 रुपये छीन के अभी लेके गए हैं परसों ही। क्या कहना है आपका? पदम जी अपने होटल मंगलम से लेके गौशाला वाले रोड तक और नेहरू रोड से पूरे रास्ते में इतनी दिन दहाड़े लूटपाट हो रही है कि 2 महीने से दिन दहाड़े मतलब किसी के तो चाकू कट लग रहे हैं, किसी के कुछ हो रहा है। मतलब परसों ही मेरे एक दोस्त का कांड हुआ, उससे पहले आइडिया में एक लड़का लग रहा भविष्य नाम का, उसके साथ मारपीट हुई है, मोबाइल घुसाए। मतलब ऐसा होता है कि एक बाइक आती है, मतलब वो पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद वो जाते हैं तो पीछे से जो बात करते हैं तो उनको मोबाइल झपट्टा देते हैं। अगर मोबाइल नहीं खुसकुआ तो गाड़ी रोक कर मारापीटी कर फिर उनको मोबाइल वो छीना छपटी कर रहे। अभी पहले 3 दिन पहले भी किसी लड़के का दुकान पर आए थे, उस लड़के का चाकू कट लग रहे थे। और कल ही नेहरू रोड पर एक मनीष नाम का लड़का है, उसके साथ एक घटना हुई है, एक बैतूल का लड़का है, उसके 22,000 रुपये ले गए। मतलब आप बोले पुलिस प्रशासन से तो ऐसा विश्वास उठ गया, दिन दहाड़े चलो रात की अलग घटना है, दिन में ये घटना होने लग गई। अब बताओ आप, ये सबसे बड़ा रास्ता हो गया नेहरू रोड वाला, सब इस रोड पर निकलते हैं, रास्ता अच्छा है, रास्ता चौड़ा है, लेकिन अब देखो दिन दहाड़े अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो पुलिस से विश्वास उठेगा नहीं। आज तो लड़के के साथ घटना हो रही है, कल कोई महिला जाएगी उसके साथ अगर ये घटना होगी। पहले भी हमने जी न्यूज पोर्टल में इनमें शिकायत दर्ज करा दी, जी न्यूज पोर्टल में लगातार शिकायत आ रही इन चीज़ों की, लेकिन ये घटनाएं कब रुकेगी इन चीज़ों को बताओ ना। कल एडिशनल SP मंगलम होटल वाले पंकज जी की एडिशनल SP हिमांशु जी से बात हुई, उन्होंने बोला 7 से 9 के लिए हमने एक लड़का नियुक्त कर दिया। 7 से 9 में क्या होगा, वो तो दिन दहाड़े घटना हो रही है ना उस जगह पर, तो दिन में लूटपाट हो रही है। लूटपाट हो रही जगह पे चेयरमैन साहब से बोलना चाहते हैं, उधर LED वगैरह की व्यवस्था, रोड लाइट की बोलते हैं तो रोड लाइट सही नहीं हो रही, बिजली विभाग से खंभे की व्यवस्था कराई है, आयुक्त साहब से बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि ये सभापति जी से बात करिए। मतलब किससे बात करे, किसने करे, हम हमारे लिए तो नहीं लड़ रहे, आम पब्लिक के लिए लड़ रहे, हम तो आम जनता के लिए। भाई अंधेरा भी सबसे बड़ा कारण है लूटपाट का, अंधेरा भी सबसे बड़ा दिन में दिन में गाड़ी उठा के और इसमें अपनी कार्रवाई करते हैं। सबसे बड़ी इसमें एक चीज की घटना है, ये लूटपाट करते हैं, गलियों में घुस जाते हैं, घरों में है ना सामान चोर ले जाते हैं, तो इसमें के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, इनको पकड़ा जाए, एक एक को चुन चुन कर इनका है ना जो चिन्हित किया जाए। जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक के पीछे है, वहाँ एक दुपल्ला है, उसमें है ना रात को इंजेक्शन लगाते हैं लोग, ऐसी सूचना मिली है हमको, हम भी उसको अवगत कर रहे हैं, हम भी सूचना देंगे। इस तरह है गश्त बढ़ाई जाए। किस वार्ड के पार्षद? वार्ड नंबर 46 का पार्षद शिवरी मीना हूँ। एक ये जो गंगापुर सिटी में जो स्मेक बिक्री है, हाँ। सभी पार्षदों से हमारा निवेदन है, अपने अपने जहाँ भी ये जो स्मेक का कारोबार बेचे उनको पुलिस की सूचना दें आप। बिल्कुल, हमने एक सबसे ज्यादा स्मेक का धंधा देवी कॉलोनी में चल रहा है, वार्ड नंबर 43 में। इसके लिए मैं CI साहब से बोल दी, SDM साहब से बोल दी, डिप्टी साहब से बोल दी, वो कार्रवाई करेंगे। परंतु पुलिस का जब सहयोग हमसे मांगेंगे, हम सहयोग करने के लिए तैयार है, पुलिस का पूरी तरह पुलिस का सहयोग करने तैयार है। हम अगर सबकी लिस्ट बना ली, सबकी लिस्ट हमें तैयार करवा ली, कौन स्मैक बेच रहा है, कौन स्मैक कर रहा है। देखो पदम जी ये बंदा है, इसकी अभी घटना हुई है परसों इसके साथ में। इसके साथ हुई है, क्या घटना हुई थी आपके साथ में? मैं मंगलम होटल के सामने वाले रोड से जाती हूँ, मुकेश बसन के यहाँ रहता हूँ मैं, वहाँ पे वहाँ जाता हूँ। उसके लिए मैं गौशाला वाले रोड पर उतरा था, तो वहाँ से उतरने बाद मेरा मोबाइल टॉर्च जलाई थी मैंने उस पर रोड पर, तो उसके बाद एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार आ रहे थे, दोनों ने मास्क बांधे हुए थे मेरे चेहरे पर, और उसने मेरे हाथ पे झपट्टा दिया, मोबाइल का मेरे नीचे था, इस तरह से टॉर्च जला रहा था मतलब, तो झपट्टा दिया और थोड़ा आगे 20-30 फीट आगे निकल गए, वो मोबाइल मेरे हाथ से गिरा नहीं, तो उन्होंने क्या मोटरसाइकिल रोकी, तो उनको मोटरसाइकिल रोक के देखते हुए मैं अपने घर की तरफ भाग गया। और इससे पहले किसी की घटना हुई थी? इससे पहले रिपोर्ट दर्ज कराई है इसने, बिल्कुल दर्ज कराया। मेरा नाम रवि है और एक मेरा दोस्त के साथ भविष्य है। कब वारदात हुई थी आपके साथ? मेरे साथ तो जनवरी में हुई थी, तो मैं एक बार रिपोर्टिंग लिए लाइव उतर जब चल रहा था, मैं आया भी था उस टाइम। उसमें रिपोर्टर आपके साथ में क्या क्या बात हुई थी? वो ये था, हम दोनों साथ में जा रहे थे जी, वही वो गैंग जो चल रही है आजकल, वही गैंग आई थी और उन्होंने क्या, वो 3 लड़के थे थे बाइक पे, तो उन्होंने साथ मारपीट करी और मोबाइल छीन के ले गए उन्होंने, मेरा भी छीना उसको छीना, लेकिन मेरा क्या अंधेरा था तो मेरे जेब से नीचे गिर गया,
और उसका तो जिम में था तो क्या उन्होंने उसे छीन लिया, तो उनको मेरा तो नहीं मिल नहीं पाया, लेकिन वो जो मेरा दोस्त का साथ में था उसको लेके चले गए। और मारा पीटी भी की थी ना? मारा पीटी भी साथ में, तो मेरे साथ तो रही जब आप बहुत घटना गंगा जब आप थाने पे रिपोर्ट दर्ज कराने गए, किस चीज में रिपोर्ट की गई आपकी? मैंने तो रिपोर्ट दर्ज कराई थी किसकी, छीना छपटी की, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करी है, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करी गुमशुदगी की। गुमशुदगी और छीना छपटी के अंतर समझ सकता है इंसान, गुमशुदगी में होता क्या? मेरा नाम रवि है, मैं रोड पे रहता हूँ। अच्छा अच्छा, कुछ दिन पहले एक लड़के को चाकू भी लगाया था जो वो मेरा दोस्त था, हाँ उसी के साथ इनसे, हाँ जो उस संबंध में आपको करीब 9-10 बजे फोन किया था, हम पहुंचे थे, आपको कट लगाई है जी दुकान पे, अभी इनके साथ ना ये लड़का यही बता रहा था जी, वो वही इंसिडेंट के साथ हुई है। एक इंसिडेंट अभी करीब 5 दिन पहले हुई है, हम कमल हॉस्पिटल यहाँ पे उस लड़के साथ में, वो अपना कोई रिलेशन को हॉस्पिटल था, कमल हॉस्पिटल में उसका था, वो दिखा के बाहर निकला था, फोन बात करा था, उसे घुसका के ले गया अभी 2 दिन पहले की बात। कुल मिला के ये कि जो लोगों ने बताया है, हमें भी बताया है, कोई कुलगाम के पास में सलेमपुर गांव है, उसके कुछ पदम जी कुछ लोग हैं ये जो कि नशे के आदी हैं, वो लेकिन ये नशे वाले नहीं है साहब, ये नशे वाले नहीं है, इनकी गाड़ी की जो नंबर प्लेट है उस पर थैली बांध के आते हैं, और ये गैंग है, ये क्या गैंग है, ये गैंग सक्रिय हो चुकी है पूरी गंगापुर में, ये अकेले का फायदा उठा रहे हैं। अमल अगर प्रशासन सतर्क नहीं हुआ ना तो इनके हौसले बुलंद हो जाएंगे, की आज तो ये मोबाइल छिना छपटी हो रही है, कल हो सकता है किसी लेडी के साथ मंगल सूत्र छिना छपटी हो जाए या कुछ हो जाए। परसों की घटना है, परसों की घटना है, उदय मोड़ पे किसान है भरतून का, उससे भी उसके साथ हुई है, 22,000 रुपए ले गए उसके, छीन के लेके गए। कुछ दिन पहले लाटाउस गली में एक दुकानदार है, मेरे सामने सुनील बुकाल, उसके घर में दिन दहाड़े एक आदमी घुस के निकल गया था, उसके घर में घुस गया था, ये तो दिन दहाड़े हो रही है, दिन दहाड़े घर में घुस गया था। दोस्तों गंगापुर सिटी में काफी क्राइम बढ़ रहा है, और जो नशे का कारोबार के कारण बढ़ रहा है, और ये सभी माननीय पार्षद महोदय हैं जो कि शिकायत दर्ज कराने आए हैं। शासन से हमारी विनती, हमारा साथ दें, हम पूरा साथ देंगे, बहन बेटियां कोई सुरक्षित नहीं है, किसी की चैन छीन के ले जाए कोई नहीं। सर सबसे बड़ा ये इस तरह जलदाय विभाग हो रहा है, इस तरह बिजली विभाग हो रहा है, जल्दी विभाग में किसी को फोन लगा लो तो किसी कोई फोन अटेंड नहीं कर रहा किसी का भी, पहले देख लो हमने जल्दी विभाग जल के लिए भी हमने लाइनें बिना बिछी हुई पड़ी हुई है जलदाय अमृत योजना के तहत, मगर अभी तक कोई भी सुध नहीं लगी गई है, जो बीच में पॉइंट छोड़ दिए गए हैं उन पॉइंटों को दोबारा नहीं लगा रहे गए, इसलिए हमारा निवेदन है अय्यन महोदय जी से कहने जो बाड़ों में पॉइंट छोड़ रहे हैं उनको पूर्णता किया जाए।